जिले के शाहपुर धामन गांव में गणेश उत्सव के तीसरे दिन मां महालक्ष्मी माता का आगमन हुआ है। ससुराल से देवरानी जेठानी ढाई दिनों के लिए बच्चों के साथ आई हैं। भक्तों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस बारे में बताया कि गणेश चतुर्थी के दो दिन बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है। दरअसल ये मराठी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र से सटे होने के कारण बुरहानपुर जिले में मराठी संस्कृति दिखती है और 56 भोग लगाकर घर में सुख शांति की कामना करते हैं। मेरी जानकारी जब तक है, ये हमारी पांचवी पीढ़ी है। पांच पीढ़ियों से हम ये माता को स्थापित करते आ रहे हैं। इनका गणपति जब बापा का आगमन होता है, उसके द्वितीय तृतीय दिन में हम माता की स्थापना करते हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्र परिवार में हमें यह त्यौहार मनाया जाता है। माता के आगमन के पश्चात दूसरे दिन महाआरती होती है, 56 सब्जियों का भोग लगता है, उसके बाद में विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं, प्रसादी वितरित की जाती है और ये ढाई दिन के लिए स्थापना होती है माता की। तो प्रथम दिन में हम सिर्फ पूजन करते हैं, द्वितीय दिन में हम आरती के साथ में भंडारे का भी आयोजन करते हैं और तीसरे दिन में मतलब आधी रात को 12:30 बजे के लगभग इन्हें प्रस्थापित किया जाता है। तो ये ढाई दिन के लिए अपने मायके आती है और जब इनकी विदाई होती है, इनके साथ में जैसा बचपन में अपन ने देखा होगा कि महिलाओं के साथ में सिंदूरी बांध के देते थे, इनके साथ में भी उसी प्रकार की सिंदूरी बांध के इनको विदाई की जाती है। कौन सा स्वरूप कहा जाता है इसको, देवरानी जेठानी और बच्चे साथ आते हैं? जी ये ज्येष्ठ गौरी है और एक कनिष्ठ गौरी है और इसमें जो बच्चे है वो गणेश जी का रूप है और एक लाडली है उनकी। कहाँ से आए है, कहाँ पर? ससुराल मायके की कुछ परंपरा। मायके आए अभी ढाई दिन के लिए। ससुराल से आए हैं? हाँ। क्या नाम आपका? मनोज भागवत का। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।